में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। जिंदा रहे मोहब्बत, इसलिए शहीद हो गए थे संत वैलेंटाइन। प्यार के इस पर्व की है दर्द भरी दास्तां। भोपाल पिछले कुछ दशकों से वैलेंटाइन डे वो जरिया बन गया है जो युवाओं को प्यार, इश्क, मोहब्बत के एहसासों को बयां करने की ताकत देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे एक दर्द भरी कहानी मोहब्बत की पहचान बन गई? चलिए शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब एक संत की शहनशाह के प्यार पर लगाए गए पहरे के खिलाफ मैंने आवाज बुलंद की थी। आप सोच रहे होंगे कि आपको ये दास्ता सुनाने वाला हूँ मैं कौन? मैं हूँ सेंट वैलेंटाइन, वही वैलेंटाइन जिसकी याद में आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं। मेरी और वैलेंटाइन डे की कहानी तब से शुरू होती है जब रोम में क्रूर शासक क्लॉडियस का शासन था। क्लॉडियस ने प्यार करने पर रोक लगा दी थी। उसका मानना था कि प्यार और शादी से युवाओं की बुद्धि और शक्ति कम होती है, जिससे वे अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। मैंने अपने राजा के खिलाफ जाकर रोम के ऐसे जोड़ों की शादियां करानी शुरू कर दी जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। मेरी बगावत की बात क्लॉडियस के कानों तक भी पहुंची। क्लॉडियस ने मुझे कैद करवा लिया और मौत की सजा सुनाई। फांसी पर चढ़ाने से पहले मुझे जेल में रखा गया, जहां जेलर की बेटी जैकोबस से मुझे प्यार हो गया। जैकोबस देख नहीं सकती थी लेकिन मेरा ध्यान रखती थी। 14 फरवरी को जब मुझे फांसी पर चढ़ाया जाना था तब मैंने जैकोबस को अपनी आंखें दान कर दी और उसे पत्र लिखा। पत्र के अंत में मैंने उसे लिखा, तुम्हारा वैलेंटाइन। मुझे फांसी पर चढ़ा दिया गया लेकिन मैं मरा नहीं, मैं अमर हो गया। आज दुनिया में प्यार करने वालों के जुबा पर मेरा नाम है। जब भी कोई प्रेमी प्रेमिका अपने साथी से कहता है तुम्हारा वैलेंटाइन, तब तब मैं जिंदा हो उठता हूँ। तो देखते रहिए खास खबर MNS न्यूज लाइव के साथ। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद।